नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। नामांकन के चौथे दिन कांग्रेस पार्टी के रीवा विधानसभा के प्रत्याशी राजेंद्र शर्मा ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन दाखिल करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए राजेंद्र शर्मा ने कहा, जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। भूख, भय, भ्रष्टाचार से भारतीय जनता पार्टी के परेशान है तमाम लोग, जिसकी वजह से अब परिवर्तन चाहते हैं। आइए आपको सुनाते हैं राजेंद्र शर्मा ने पर्चा दाखिल करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा। आपने आज पर्चा दाखिल किया, आपको जिला अध्यक्ष से भी हटा दिया, कैसे करेंगे आप? ये शब्द का दुरुपयोग कर रहे हैं, हटा दिया गया मुझे, जिलाध्यक्ष से हटाया नहीं गया। जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी से मुझे मुक्त किया गया, मुझे समय दिया रीवा में चुनाव के लिए मेहनत करने का, और हटा के किसी गैर को थोड़ी बनाया। हटा के किसी गैर को थोड़ी बनाया, मेरे ही एक साथी जो पूर्व में जिलाध्यक्ष थे, जिनकी नींव पे मैंने संगठन की इमारत बनाई। नींव तो उन्हीं ने रखी थी, इमारत मैंने बनाई, अब उसका रंग रोगन फिनिशिंग वो करेंगे। इस बार जनता की लड़ाई है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो मध्य प्रदेश की सरकार है उसके खिलाफ केवल एक मुद्दा है, 50% कमीशन की सरकार, धन बल खरीद फरोख्त, भ्रष्टाचार के जरिए विधायकों की खरीद से बनाई गई सरकार, लोकतंत्र में जनादेश को आपने चोरी करने का काम किया, जनादेश को आपने हड़पा, उसके खिलाफ मध्य प्रदेश की जनता है। इस सरकार में किसान परेशान है, बिजली के बिल, गिरफ्तारी का डर, आत्महत्या पे मजबूर, नौजवान परेशान है बेरोजगारी की मार से, नशे के रास्ते में उसको जाना पड़ रहा है, कुंठाग्रस्त होकर एडमिशन लेने जाता है कॉलेज में तो व्यापम हो जाता है, नौकरी के लिए आवेदन करता है तो वनारक्षक घोटवाला, पटवारी घोटाला, घोटाले पे घोटाले, युवा इन घोटाले की सरकार से परेशान हो गया, आदिवासी अत्याचार का शिकार है। आपने देखा किस तरीके से रोज एक आदिवासी पे अत्याचार हो रहा, आदिवासी अत्याचार का शिकार है हमारा गरीब मध्यम वर्ग की महंगाई से कमर टूट गई, जनता त्रस्त है, त्राहिमाम है जनता में, और परिवर्तन एकमात्र इसका हल है। कांग्रेस जनता के इस परिवर्तन की मांग की वाहक बनने वाली है इस बार, और कांग्रेस जनता की लड़ाई लड़ रही है और जनता कांग्रेस की लड़ाई लड़ रही है। बाकी नेता सर कितना भारी पड़ेंगे, रावत की हुई कांग्रेस वो कितना भारी पड़ रहा है रीवा में, तो किसी ने नहीं किया विधानसभा में, सब हमारे साथ है। सिद्धार्थ गए हैं भारतीय जनता पार्टी में, मैं पहले भी आप लोगों को बता चला हूँ, सिद्धार्थ का जाना हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। परिवार का जब एक सदस्य परिवार से निकलता है तो हमेशा वो पीड़ादायक होता है। मैंने बताया ना, जनता चुनाव लड़ रही है, मैं थोड़ी लड़ रहा हूँ, जनता चुनाव लड़ रही है ना। जनता वेट कर रही है, जनता उन्हीं का तो इंतजार कर रही है कि ये विकास लेके आए तो हमारे पास एक बार। इंजीनियर्स के पास जा किस मुंह से जाएंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज की जमीन बेच डाली सब, खत्म कर दी, किस मुंह से जाएंगे जहां आपने दुकानों को हटा दिया, बिना अकारण कहीं फ्लाईओवर बना रहे हो, कोई कारण होना चाहिए ना। जनता इंतजार कर रही है, जनता ने बहुत इंतजार किया, वो 17 नवंबर इसीलिए जल्दी डेट आई। विकास, कंक्रीट के जंगल को विकास नहीं बोलते, मैं तो बस इतना जानता हूं कि एजुकेशन सेंटर्स खत्म हो गए, हमारे यहाँ कोई बच्चों के पढ़ने के लिए सीट्स नहीं बढ़ी, बच्चे कोटा भाग रहे हैं पढ़ने के लिए, स्कूल एजुकेशन कॉलेज एजुकेशन भोपाल और इंदौर में कर रहे हैं, अस्पताल की हालत आपने देख ली, वो तो संजय गांधी हमारे पूजनीय तिवारी जी और सोनिया जी के द्वारा लोकार्पित, संजय गांधी जो है उसने कोविड में जनता की जान बचा ली, नहीं तो यहां तो धन नहीं था। ताज़ातरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।